सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जिस कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ उसका नाम है उल्लास, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपका बहुत ही सक्रिय रूप से योगदान रहा है। आपकी कविताएँ देशभक्ति का सिंहनाद करती चली आ रही हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत बहुत ही बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय रहा है। आपकी मुख्य रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती आदि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं और हमें भी बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश देती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भाषा बहुत ही सरल और प्रचलित खड़ी बोली है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का खुलास देखा। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, मैंने अपने बचपन में, अपने बालपन में ही प्रकाश में ऊषा को देखा है, प्रकाश में रोशनी को देखा है, अर्थात बचपन से ही जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। फिर यौवन में कदम रखते ही इस प्रभाव का विकास उनके अंतर्मन में बड़ी अनुभूति के साथ हुआ है। यही अनुभव उनके मन में उल्लास, उमंग भरने लगा तथा यौवन की मदमाती ऊर्जा उन्हें जीवन से भरपूर जीने में सहायक सिद्ध हुई है। कवित्री जीवन के प्रति सुदृढ़ विचार व उदार मनोभाव प्रकट करती हैं। कवित्री कहती हैं, जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, जगत में अनेकानेक विकट विघ्न के बीच आशा रूपी लतिका को कवित्री ने बढ़ते हुए देखा है, लहराते हुए देखा है। वे बेली, वे लतर बढ़ते बढ़ते और सुदृढ़ हो गई है, अर्थात कष्ट के समय में भी, मुसीबत के समय में भी मन में आशा, प्रेम, उत्साह आदि भावनाएं अंकुरित होते हुए देखा है। जीवन के प्रति बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। वे सारे सकारात्मक भाव क्रमशः और भी बलवित होते देखा है। वे सारे सकारात्मक भाव और भी सुदृढ़ होते देखा है। कवित्री जीवन के प्रति बहुत ही सुदृढ़ और उदार मनोभावों को प्रकट करती हैं। कवित्री कहती हैं, जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, उनके मन में रहने वाले सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव इतने सशक्त हैं कि कभी भी जीवन में आने वाली निराशा ने उन्हें रुलाया नहीं है। जीवन में आने वाली समस्याओं ने कभी भी उनके अंदर नकारात्मक भाव नहीं जगाए हैं। जग झूठा है ऐसी विरक्ति भी मन में नहीं जागी है, अर्थात जगत मिथ्या वाले सिद्धांत को ना मानते हुए कवित्री ने बड़ी दृढ़ता से अपने जीवन के प्रत्येक सोपान पर आगे बढ़कर सिर्फ आगे बढ़ती गई हैं। कवित्री कहती हैं, अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें अच्छे बुरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं,
मित्र शत्रु की पहचान होने लगी थी, मगर फिर भी कभी भी उनके मन में दुष्ट लोगों के प्रति घृणा नहीं आई। प्रेम व सहानुभूति की भावनाओं ने उन्हें जीवन में अत्यंत शांतपूर्वक व्यवहार करने में बहुत मदद करी है। कटुता, कुटिलता, कृत्रिमता ने उन्हें कभी जीवन को कठोर नहीं बनने दिया, क्योंकि इन सारी कुभावनाओं पर कवित्री ने विजय प्राप्त कर ली थी। कवित्री जीवन के प्रति बहुत ही सुदृढ़ और उदार मनोभावों को व्यक्त करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतःस्थल का प्यार। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, मैंने दूसरों से बेहद प्यार किया है, वह सबसे प्रेम करती हैं, शत्रु हो या मित्र हो, सबके साथ समान व्यवहार करती हैं। आप भला तो जग भला वाली उक्ति यहाँ सत्य सिद्ध होती है। कवित्री कहती हैं, वे सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगी, बदले में उन्हें भी प्रेम ही मिला है। इससे उनका मन चित्त शांत व तटस्थ रहता था। ईर्ष्या, लोभ, घृणा आदि भावनाएं जैसे लुप्त ही हो गई थीं। कवित्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण बताया है। कवित्री कहती हैं, मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारा पार, भरा प्रेम से मेरा जीवन, लुटा रहा निर्मल प्यार। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं, वह तो प्रेम की स्रोत वाहिनी है, वह किसी से घृणा कर ही नहीं सकती, अतः वह प्रेम की धारा निरंतर लगातार उनके मन में बहती रहती है। सबके साथ मीठे मधुर व्यवहार करती हैं। उनका जीवन प्रेम के सागर समान अनियमित अनंत प्रेम का भंडार बन गया है। इस प्रेम को सबके साथ बांटने लगी हैं। प्रेम बांटते बांटते उन्हें प्रेम और मिलने लगा। प्रेम बांटने से ही प्रेम बढ़ता है। कवित्री जीवन की सत्यता बताती हैं। प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। आज की इस कविता का आखिरी पद कवित्री इसमें कहती हैं, मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आँखों से आंसू दो चार। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवित्री कहती हैं कि विकट परिस्थितियों में भी वे कभी नहीं रोईं, मुसीबत के समय भी हमेशा धैर्य से काम लिया है, आँखों में आंसू नहीं आए हैं। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वह सब पर विश्वास करती थी, अतः सदा उनकी आँखों में प्रेम के आंसू टपकते थे। कभी भी निराशा, हताशा, दुखी होकर वे नहीं रोई हैं। ऐसे उज्जवल चरित्र वाली कवित्री कभी भी दुखी नहीं हुई, हमेशा खुश रही हैं, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सिर्फ खुशियां ही बांटी हैं, लोगों को एक सकारात्मक सोच दी है। कवित्री अपनी इस कविता में हम सबको बहुत ही सुदृढ़ और उदार मनोभावों को अपने अंदर जागृत करने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ पोस्ट करें। आपके सुझावों का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।